उन्होंने मुझे डीफेम का नोटिस भेजा कोर्ट का, जो कि 65 पेज का था। मेरी फट गई थी, मैंने कहा ये क्या है। तो मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हो गया था। एक्चुअली मैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट पर मैंने क्या किया, आपको पता होगा जेईई और नीट के रिजल्ट आते तो लोग क्या करते हैं, वो ना एक ही स्टूडेंट की फोटो सारे छाप रहे होते हैं, ये हमने दिया ये हमने दिया। तो ऐसी करके दो टॉप इंस्टीट्यूट ने एक ही बच्चे की फोटो छाप रखी थी। अब मुझे उस दिन बड़ा दुख दर्द हुआ, पता नहीं क्या हुआ, पर उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई तगड़ी वाली कि ये देखो मैंने अखबार दिखाया ये सब, और मैं मुझे नहीं पता मैं रातों रात वायरल हो जाऊंगा। एक्चुअल में वो वीडियो 3 से 4 दिन के अंदर 8 लाख लोगों ने देखी थी, और मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक टॉकिंग पॉइंट बन गया था कि ये क्या है। मतलब स्कैंडलिस्ट होता है ना कि ये देखो स्कैंडल है दिखा रहा हूँ अखबार में करके। अब पता है मुझे उसका इंपैक्ट तब समझ में आया कि एक तो मैं फेमस हो गया था, दूसरा उससे मुझे अच्छी खासी डॉलर में अर्निंग आ गई थी। लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि जिस इंस्टीट्यूट का मैं नाम ले रहा था डीफेम करते हैं उसको। ध्यान रखो अभी पॉलिसीज बहुत तगड़ी हो गई, पहले पॉलिसी ऐसी थी नहीं, आप किसी को ऑनलाइन डीफेम नहीं कर सकते। पर खैर जो भी हो, मैंने ऐसा किया तो मेरे को 5 दिन बाद, क्योंकि बहुत लोगों ने देख लिया था और लोग बहुत लोगों ने देखा और उसको बहुत सारे लाइक्स आए थे, तो लोगों को लगा वो जो इंस्टीट्यूट था उसको लगा कि भैया ये तो हमारा नाम खराब कर देगा, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने मुझे डीफेम का नोटिस भेजा कोर्ट का, जो कि 65 पेज का था। मेरी फट गई थी, मैंने कहा ये क्या है। तो अभी पता डीफेम नहीं कर सकते आप, उसमें यूट्यूब की पॉलिसी तगड़ी है और उसकी। पर मैं फेमस हो गया था उससे काफी ज्यादा, और पर मेरे को वो वीडियो उन्होंने कहा वीडियो डाउन करो नहीं तो हमारा जो नुकसान हुआ वो भरना पड़ेगा, काफी बड़ा करोड़ों में नुकसान लिखा था, मैंने कहा इतने तो मैंने कमाई नहीं है। तो इन दैट केस मैंने उस वीडियो को डाउन किया। आज भी वीडियो है, तुम सर्च करोगे तो वो स्कैंडलस वीडियो तुम्हें मिल जाएगी कहीं ना कहीं किसी और चैनल पे, लेकिन हमने हटा दिया। बट इस तरह से फिर मैंने वीडियोस डाली, पर मैंने सोशल मुद्दे भी उठाए, क्योंकि वो सोशल मुद्दा था जिसमें ना लोगों का एक अटैचमेंट हो गया था कि ये सही बात बोल रहा है, तो ये तो स्कैंडल है, इस वजह से फेमस हो गया। फिर मोटिवेशनल वीडियोस बनाई मैंने, उस वजह से फेमस हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से मैं फेमस होता चला गया।